रिटन टेस्ट शुरू करेंगे। रिटन? नहीं, रिटन टेस्ट के अलावा कुछ भी प्ले। चलिए शुरू करते हैं। नहीं हो सकता, नरूटो की तो खैर नहीं, रिटन एग्जाम्स में वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत तेज हो रहे हो हैं। रुको जरा, सबर करो। पास या फेल होना उसके तीनों मेंबर्स के टोटल स्कोर्स पर आधारित होगा। क्या, ये क्या बात हुई? A few moments later. अगर तुम चाहते हो तुम्हें शिनोबी माना जाए, तो फिर हमें दिखाओ तुम कितने अनोखे शिनोबी बन सकते हो। अच्छा। परेशान मत हो, शांत रहो, मुझे पता है मैं सब सही करूँगी और सास्की भी कर ही लेगा। तो अगर नरूटो को जीरो मिलता भी है तब भी हमारा स्कोर अच्छा होगा, हम पास हो जाएंगे। बैगन, यार तुम तो धरादन भेजे जा रहे हो। बात, अगर किसी कैंडिडेट को जीरो मिला और वो फेल हो गया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी टीम फेल हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, ये सिर्फ एक टेस्ट ही तो है, मैंने तो इससे भी मुश्किल काम किए हैं, यकीन करो। चल झूठा। सारे सवाल पढ़कर देख लेता हूँ, मुझे किन किन के जवाब आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। ओके, डरो मत, अब बस एक ही काम हो सकता है, चीटिंग करूंगा और नहीं पकड़ा जाऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा? अजीब है, ये लोग टेस्ट पेपर पर गौर करने से ज्यादा ध्यान तो चीटिंग करने पर दे रहे हैं। अच्छा, दारों के हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, वो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। What? अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो ये बात है। हाँ, यही बात होनी चाहिए। असली मकसद हमारे दिमाग को नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करने की हमारी काबिलियत को परखना है। तुम ये कर सकते हो, दिमाग चलाओ इससे पहले की देर हो जाए। ये फंस गया। मुझे नहीं हो रहा, मैं तो गया। एक मिनट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पकड़ा गया तो सकुरा और सास्की मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नारुतो। हाँ? अब ये कौन है बे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जवाब दिखा सकती हूँ। ओ यार, अरे कितनी औसम है यार। क्या कहा? ये मुझे अपने जवाब दिखाना चाहती है, भला ये ऐसा क्यों करना चाहेगी? I don't know. समझ गया, ये उसकी कोई चाल है,